हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी एग्जाम 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, यहां अगर आप भी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोड ग्रुप सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे हिंदी टॉपिक के ऊपर लाइए क्वेश्चन की वीडियोज़। तो दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, त्वर का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। इसका सही आंसर होगा दंत। अगर आप त्वर बोलते हैं तो इसके अंदर जो आपकी लिप कह सकते हैं टंग है वो दांत को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्सक कौन सा शब्द है। ऑप्शंस हैं तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो इसका सही आंसर होगा तत्सम। पुत्सक जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। ऑप्शंस हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भाववाचक। ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन सा पुरुष है, मतलब मैं कौन सा पुरुष है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मैं में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा है तिरंगा कौन सा समास है। ऑप्शंस हैं कर्मधारय समास, बहुव्रीही समास, द्वंद्व समास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बहुव्रीही समास। तिरंगा जो है वो बहुव्रीही समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक। दोस्तों, अगर आपने कारक पढ़ा है तो इसमें क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण इसके अंदर जो से है वो करण होगा, मतलब कह सकते हैं से जो है वो करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शंस हैं महाशनी, महाशी, महाशया, महाशी। तो इसका सही आंसर होगा महाशया। महाशया स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शंस हैं नेत्री, नेतिन, नेत्री, नेताजी। इसका सही आंसर होगा नेत्री। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लाइक्स का एम 150 लाइक्स का रखते हैं। अगर आप 150 लाइक्स कर देते हैं तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस नहीं हो पाएंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो पे 150 लाइक्स कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इससे भी अच्छी मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शंस हैं प प्लस अवन, पो अन, पौ अन, प प्लस वन। तो इसका सही आंसर होगा पोअन, मतलब पवन को ऐसे नहीं पोअन बोला जाता है, पौ अन। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शंस हैं 8, 9, 11, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है। ऑप्शंस हैं अज्ञ, कृतज्ञ, विशेषज्ञ, सर्वज्ञ। तो इसका सही आंसर होगा सर्वज्ञ। जो सभी कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर है। ऑप्शंस हैं सुदर्शन, सुग्रीव, सुगर्दन, सुगत। तो जिसकी गर्दन सुंदर होती है वो सुग्रीव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं रत्न, गर्भा, स्वर्णमयी, वसुमती, हिरण गर्भा। तो इसका सही आंसर होगा रत्न गर्भा। रत्न गर्भा को पृथ्वी का पर्यायवाची कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो तरुण का विपरीतार्थक मतलब अपोजिट क्या होगा। ऑप्शंस हैं मंद, वृद्ध, सुस्त, इनमें से कोई नहीं। तो तरुण मतलब क्या होता है, युवा, और इसका अपोजिट क्या होगा, बूढ़ा, मतलब वृद्ध। इसका सही आंसर वृद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शंस 1, 2, 3, 7। इसका सही आंसर होगा 3। संधि 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शंस हैं पूरा, पुर, पुरस और पुरह।
तो इसका सही आंसर होगा पुरह, पुरोहित में उपसर्ग पुरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शंस हैं 3, 5, 6, 7। इसका सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? सावधानी में प्रत्यय क्या है? ऑप्शंस हैं ई, आनी, धानी, छोटी। इसका सही आंसर होगा ई, सावधानी में प्रत्यय ई है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसके अंदर योजक चिन्ह कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, योजक चिन्ह इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? ऑप्शंस हैं 11, 12, 14, 18। इसका सही आंसर है 12, अर्थालंकार के 12 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शंस हैं भय, घृणा, शोक, निर्वेद। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं 3, 9, 8, 7। इसका राइट आंसर होगा 9, रस 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? ऑप्शंस हैं वात्सल रस, करुण रस, भक्ति रस, शांत रस। इसका सही आंसर होगा शांत रस, हिंदी साहित्य का जो 9वां रस है वो शांत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण का विलोम क्या है? ऑप्शंस हैं अनुकरण, आग्रह, स्वीकार्य, त्याज्य। इसका सही आंसर होगा त्याज्य, त्याज्य ग्रहण का विलोम त्याज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? ऑप्शंस हैं कर्मधार, बहुव्रीही, द्विगु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बहुव्रीही, बहुव्रीही पंकज का समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, इस वाक्य में कौन सा वाक्य कहा जाएगा? ऑप्शंस हैं विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर होगा संकेतवाचक वाक्य, मतलब इसमें कहा जा रहा है अगर तुम चलो तो मैं भी चलूँ, तो इसमें संकेत दिया जा रहा है, तो इससे ये संकेतवाचक वाक्य होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये टॉपिक आपको हार्ड लगा या ईजी लगा, इसी हिसाब से मैं हिंदी क्वेश्चन की वीडियोज़ आपके लिए अपग्रेड कर दूँगा, या तो ईजी आएंगी या तो हार्ड आएंगी, जैसा आप कहेंगे उसी हिसाब से होंगी। उसके बाद इस वीडियो में अगर मिस्टेक्स हुई हैं तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जनरल अवेयरनेस, मैथ, इंग्लिश या हिंदी पे आपको वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइए। अगर आपने लास्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नहीं देखी तो आपको आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी मैंने चैनल पर बना दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं, और चैनल पर जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।